ब्लैक हेड्स भी हो सकते हैं व्हाइट हेड्स भी हो सकते हैं बींग अ नेचुरोपैथ आ, इसका ताल्लुक आपके पेट से भी होता है सफाई से तो है कि आप ऑयली स्किन पे ब्लैक व्हाइट हेड ज़्यादा आ जाते हैं सफाई करनी चाहिए मेकअप इस्तेमाल करने तो अच्छे <laughs> ब्रांड का करना है उस वो भी एक रीज़न हो सकता है डस्ट भी हो सकती है इसीलिए कहते हैं कि चेहरे को बार बार धोया जाए क्योंकि ऑयली स्किन पर ब्लैक हेड्स ज्यादा होते हैं और जो ड्राई स्किन होती है उसमें पर व्हाइट हेड ज़्यादा होती है मर्दों को ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट हेड्स का सामना ही खबा को क्योंकि मेकअप का मामला तो है लेकिन ज्यादा पसीना गर्मी दोनों को अगर मैदा खराब हो तो फिर मैदे की तरफ ध्यान दीजिए कॉन्स्टिपेट नहीं होना चाहिए तीन हाँ हा? मैदा खराब बेसन खराब

से अगर लेना है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ आपके किचन में मौजूद है वो है जवत्री ठीक है आपने जवत्री को पीस लेना है, पीस कर पाउडर बना लेना पाउडर बनाकर आप क्या करेंगे कि इसका अगर थोड़ा सा रोज़ वाटर के साथ लेप लगा लें Okay. तो इससे पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे और आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को खत्म करने में आपकी मदद यानी पोर्स बंद तो मसला काफी हद तक हल काफी हद तक लेकिन मैं हमेशा कहूंगी कि स्किन ब्रीथ करती है इन लार्ज पोर्स के लिए तो अच्छा है लेकिन मैदा सही रखें मतलब के मैदा और बेसन दोनों का ख्याल रखें ज्यादा बेसन खाने से भी मैदा खराब होता है मैदा खाने से भी बेसन मतलब के मैदा खराब अच्छा ये आपने एक तो इसका इस्तेमाल करें इससे कम होंगे अगर हो गए हैं तो हमने क्या करना है तो उसका मैं बता देती हूँ मैंने क्या किया है यहाँ पे जायफल और जवत्री ज, इसी के अंदर होता है सालन में हाँ। होता है इसलिए जी बिल्कुल रही हूं, जलाएगा तो नहीं बिल्कुल तो नहीं, नहीं जलाएगा बिल्कुल okay. भी नहीं जलाएगा इसके दो तरीके हैं या तो जेलिटन पाउडर में डालकर इस्तेमाल करें या आपने क्या करना है जायफल जवत्री का पाउडर लेकर उसको जो है शहद के साथ लेप करना है ठीक है तो ये दो तरीके हैं या तो जेलिटन पाउडर के साथ इसको पका लें पकाने के बाद जैसे हल्का सा गर्म कर लें तो वो पील ऑफ मास्क बन जाएगा दो तरीका और तकरीबन तो एक टेबल स्पून है ना। ठीक है इनफ है तो ये जो आप जो चेहरे पे लगाएं तो इससे आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स दोनों की प्रॉब्लम है हल होने में आपकी मदद होगी दो तरीके मैंने बता दिए पील ऑफ करना है आपने तो आपने जेलिटन पाउडर को हल्का सा चूल्हे पे गरम करना है वो एक गेस सा बन जाएगा उसमें जायफल जवित्री का पाउडर डाल देना है तो इससे फर्क पड़ेगा अब ब्लैक एंड वाइट हेड्स के अलावा पसीना बहुत आता है जैसे गर्मियाँ आती है पसीने की भी एक रीज़न होती है कि आ, जो है ब्लैक एंड वाइट हेड बन सकते हैं तो उससे कैसे निजात हासिल करें तो उसके लिए हल्का सा स्क्रबिंग करना ज़रूरी है डेली नहीं डेली नहीं वंस वंस अ अ वीक वीक वंस अ वीक आप स्क्रबिंग करें स्क्रबिंग करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं लेकिन जो आसानी से मिल जाता है हुसन यूसुफ़ है ठीक okay. है हुन यूसुफ़ जो है Uh, इसको आपने क्या करना है एक टी लेना है और मेरा तरीक़ा ये होता है कि हुसन यूसुफ़ को भी आप थोड़ा सा सिलबट्टे पर मज़ीद जो है ना उसको ग्राइंड, ग्राइंड कर लें मज़ीद कर लें तो बहुत माइक्रो पार्टिकल्स जी कर वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपने उसको ग्राइंड करना है फिर आपने क्या करना है कि आप जो है उस घर से आप जो है ड्राई मिल्क ले सकते हैं ये दोनों चीज़ें आपने ली और रोज़ वाटर में आपने बना लिया सही